हेलो दोस्तों, मेरा यह वीडियो इंश्योरेंस सीरीज का चौथा वीडियो है। मैंने इस सीरीज की पिछली तीन वीडियो में बीमा बेसिक, इंडोमेन और टर्म प्लान लेने के पीछे के कारण को बताया हुआ है। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि अगले वीडियो में मैं LIC की टर्म इंश्योरेंस के बारे में बात करूंगा, मैं यहां कोशिश करूंगा कि आपको सही और पूरी जानकारी दे पाऊं। अगर आप बहुत ही डिटेल में जानकारी पाना चाहते हैं तो LIC की पॉलिसी डॉक्यूमेंट को भी रीड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आज की डेट में कलेक्ट किया हुआ है उसके हिसाब से मैंने यह वीडियो बनाया है। हो सकता है कि नियमों में बदलाव होता रहे। अब आगे बात करते हैं कि LIC की टर्म प्लान के बारे में। आपको तो मालूम ही होगा कि टर्म इंश्योरेंस प्लान वो प्लान होते हैं जो सिर्फ लाइफ कवर देती है, इसमें कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता है। अगर पॉलिसी पीरियड में पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो सम एश्योर्ड राशि या कहें बीमा राशि पॉलिसी होल्डर के परिवार को मिल जाती है। LIC टर्म इंश्योरेंस प्लान उपलब्ध कराती है जैसे कि अनमोल जीवन 2, अमूल्य जीवन ई टर्म प्लान, जहाँ पे ई टर्म प्लान जो है सिर्फ ऑनलाइन मोड से खरीदा जा सकता है। जैसे कि मैंने अभी टर्म प्लान के बारे में बताया है, अनमोल जीवन और अमूल्य जीवन लाइफ कवर देती है, इसमें कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता है। अब आगे देखते हैं इन दोनों प्लान के फीचर के बारे में। शुरू करते हैं अनमोल जीवन से। अनमोल जीवन टर्म इंश्योरेंस प्लान में बीमा राशि या सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए से लेकर 24 लाख रुपए तक हो सकता है। वहीं पॉलिसी की अवधि अधिकतम 25 साल तक हो सकती है। इस पॉलिसी को लेने के लिए अधिकतम उम्र की सीमा 55 साल है, मतलब 55 साल की उम्र के बाद इस पॉलिसी को नहीं लिया जा सकता है। चूंकि इस पॉलिसी में अधिकतम बीमा राशि 24 लाख रुपए है, यह पॉलिसी उनके लिए है जो कम बीमा राशि का टर्म प्लान लेना चाहते हैं। जैसे जैसे बीमा राशि बढ़ती है, बीमा का प्रीमियम राशि भी बढ़ते जाता है। अब देखते हैं कि इसमें बीमा कराने के लिए हर साल कितना प्रीमियम भरना होगा। इसे एक टेबल से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस टेबल में मैंने बीमा राशि 10 लाख रुपए और बीमा राशि 20 लाख रुपए के ऊपर जानकारी प्रदान की है। दोनों ही स्थिति में पॉलिसी टर्म 25-25 साल का है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई 20 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में या 40 साल की उम्र में अगर अनमोल जीवन 2 पॉलिसी लेता है तो उसे हर साल कितना प्रीमियम भरना होगा। तो पहले देखते हैं, 20 साल की उम्र में अगर 25 साल की पॉलिसी 10 लाख रुपए के लिए लिया जाता है तो 2726 रुपए हर साल प्रीमियम देना होगा। वहीं 30 साल की उम्र में पॉलिसी लेने पर 4177 रुपए, उसी तरह 40 साल की उम्र में पॉलिसी लेने पर 8319 रुपए हर साल जमा करने पड़ेंगे। उसी तरह 20 लाख रुपए के लिए 25 साल की पॉलिसी लेने के लिए 20 साल की उम्र में अगर पॉलिसी लेते हैं तो 5452 रुपए, अगर 30 साल की उम्र में पॉलिसी लेते हैं तो 8354 रुपए और अगर 40 साल की उम्र में लेते हैं तो 16638 रुपए लगेगा। मतलब अगर कोई 40 साल की उम्र में पॉलिसी में एंटर होता है तो 25 साल की पॉलिसी मतलब 40 प्लस 25 मतलब 65 साल तक की आयु तक यह पॉलिसी का इफेक्ट रहेगा। दोस्तों, ये तो ही अनमोल जीवन 2 के बारे में जानकारी। अब आगे जानते हैं अमूल्य जीवन टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में। अमूल्य जीवन प्लान में बीमा राशि 25 लाख रुपए से शुरू होती है। जैसा कि हमने अनमोल जीवन में देखा है कि उसमें 24 लाख रुपए तक होती है, इसमें जो है 25 लाख रुपए से शुरू होती है। इस प्लान में अधिकतम बीमा राशि की कोई लिमिट नहीं है। इस प्लान में पॉलिसी की अवधि अधिकतम 35 साल है। इस पॉलिसी को लेने की अधिकतम उम्र 60 साल है, मतलब 60 साल की उम्र से अधिक होने पर इस पॉलिसी को लेना संभव नहीं है। चूंकि इस पॉलिसी में न्यूनतम बीमा राशि 25 लाख रुपए है, यह पॉलिसी उनके लिए है जो अधिक बीमा राशि का प्लान लेना चाहते हैं। अब अमूल्य जीवन में बीमा राशि को एक टेबल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इस टेबल में आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे आपको तीन बीमा राशि के लिए डिटेल देने वाला हूँ, 25 लाख रुपए, 50 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के लिए। अब देखते हैं कि अगर कोई 20 साल की आयु में 35 साल की पॉलिसी टर्म के लिए 25 लाख रुपए का बीमा करवाना चाहता है तो उसे हर साल कितना प्रीमियम देना पड़ेगा। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, 4396 रुपए हर साल का प्रीमियम अमाउंट होगा। वहीं अगर कोई 30 साल की उम्र में एंटर करता है तो उसे 8024 रुपए, वहीं अगर कोई 35 साल की उम्र में 35 साल की पॉलिसी 25 लाख रुपए के लिए लेना चाहेगा तो उसे 11564 रुपए हर साल प्रीमियम के रूप में देना पड़ेगा। वहीं अगर बीमा राशि 25 लाख से 50 लाख रुपए हो जाती है तो यह अमाउंट डबल हो जाएगा। जैसे कि अगर 20 साल की उम्र में 25 लाख की पॉलिसी के लिए 4396 रुपए है तो वही 50 लाख रुपए के लिए 8791 रुपए हो जाएगा, वही 1 करोड़ रुपए के लिए 17582 रुपए हो जाएगा। उसी तरह 30 साल की आयु में अगर 50 लाख की पॉलिसी 35 साल के लिए लिया जाता है तो करीब 16048 रुपए प्रीमियम देना पड़ेगा। इसी तरह बाकी और भी अमाउंट आप इस टेबल से देख सकते हैं।
दोस्त अभी तक तो हमने देखा अनमोल जीवन और अमूल्य जीवन में कितना प्रीमियम राशि हर साल जमा करना पड़ेगा अलग अलग प्लान की अवधि के लिए और अलग अलग बीमा राशि के लिए। आगे हम कंपेयर करते हैं दोनों प्लान को, अनमोल जीवन और अमूल्य जीवन को। तो अनमोल जीवन में मिनिमम बीमा राशि 6 लाख रुपए, वहीं अमूल्य जीवन में मिनिमम बीमा राशि 25 लाख रुपए है। अनमोल जीवन में अधिकतम बीमा राशि 24 लाख रुपए है, परंतु अमूल्य जीवन में बीमा राशि की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। अनमोल जीवन और अमूल्य जीवन दोनों में पॉलिसी लेने के लिए 18 साल कंप्लीट होना जरूरी है। वहीं अधिकतम उम्र अनमोल जीवन में पॉलिसी लेने के लिए 55 साल है, वहीं अमूल्य जीवन में 60 साल है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि अगर अनमोल जीवन की पॉलिसी लेते हैं तो उम्र जिसमें यह पॉलिसी खत्म हो जाएगी वह है 65 साल, वहीं अमूल्य जीवन में यह है 70 साल। मिनिमम पॉलिसी टर्म अनमोल जीवन अमूल्य जीवन दोनों में 5 साल है, वहीं अधिकतम पॉलिसी टर्म अनमोल जीवन में 25 साल है और अमूल्य जीवन में 35 साल है। यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे हमने अभी देखा कि मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री मतलब अधिकतम उम्र की सीमा पॉलिसी में एंटर करने की अमूल्य जीवन में 60 साल है, वहीं अनमोल जीवन में 55 साल है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि अगर कोई 60 साल में अमूल्य जीवन में एंटर होता है तो वह अगले 35 साल मतलब 60+35 95 साल तक इस बीमा का फायदा उठा सकता है, ऐसा नहीं है। चूंकि अधिकतम सीमा 70 साल है जिसमें पॉलिसी खत्म हो जाएगी, तो अगर कोई 60 साल की उम्र में यह पॉलिसी लेना चाहेगा तो वह सिर्फ 10 साल के लिए यह पॉलिसी ले सकता है। उसी तरह अनमोल जीवन में अगर कोई 55 साल की उम्र में पॉलिसी लेना चाहेगा तो वह भी 10 साल के लिए ले सकता है, क्योंकि अनमोल जीवन में अधिकतम उम्र अधिकतम 65 साल में यह पॉलिसी खत्म हो जाएगी। दोस्तों ये तो थी जानकारी अनमोल जीवन और अमूल्य जीवन के बारे में। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए, जैसे कि अलग अलग टर्म के लिए कितना प्रीमियम राशि आपको जमा करना होगा, अगर आप सालाना बीमा राशि जमा नहीं करना चाहते हैं, हाफ ईयरली जमा करना चाहते हैं तो उसमें कितना अमाउंट होगा, तो आप LIC की वेबसाइट को विज़िट कीजिए, जिसमें प्रीमियम कैलकुलेटर के माध्यम से आप ये सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों और अपने कॉन्टैक्ट में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। मेरे वीडियो को शेयर करने के लिए आपको वीडियो के नीचे तीर के निशान को क्लिक करना होगा और फिर आपके पास वीडियो शेयर करने के विभिन्न ऑप्शन जैसे कि मेल, व्हाट्सअप, SMS इत्यादि आ जाएंगे। आप इन माध्यमों का उपयोग करके वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।